मोनिशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि शनिवार को 18 सितंबर को तेजस्वी यादव झारखंड आए थे। वो जब आए तो मीडिया की काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। जितने ज्यादा मीडिया के लोग थे उतना ही ज्यादा उनके चाहने वाले थे। जितने भी आरजेडी को मानने वाले और चाहने वाले लोग थे, उन लोगों की उनके जनता की भीड़ उमड़ी हुई थी। आपको बता दें कि इतनी ज्यादा भीड़ में धक्के धुक्की हो रही थी उन्हें देखने के लिए, और वैसा ही बिल्कुल आज जब उन्होंने कार्निवल हॉल में अपना प्रेस आयोजित किया और मीडिया से बातचीत की। तो देखिए पूरा वीडियो और देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, और साथ ही वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी से किस तरीके से उन्होंने बातचीत की और लोगों को दिलासा दिलाया कि आरजेडी अब झारखंड में भी पहले की तरह कायम रहेगा। जिस तरह बिहार में वो कायम है, और जिस तरह से पहले पूर्व में जब बिहार और झारखंड एक ही था, सिर्फ बिहार था, उस वक्त जिस तरह से आरजेडी कायम था, अब बिल्कुल उसी तरीके से कायम होगी। आपको बता दें कि वो यहाँ पे जो अगले चुनाव 2024 में होने वाले हैं उसके लिए पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए वो अब हर महीने 2 दिनों के लिए यहाँ झारखंड में आएंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे और अपने लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए देखिए पूरा वीडियो कि किस तरीके से उन्होंने बातचीत की और क्या क्या कहा। आदरणीय लालू जी के कार्यक्रमों को और आदरणीय लालू जी ने जो संयुक्त बिहार को सजाने का काम किया। प्यार की बात हम लोग करते हैं, वो लोग जो है तकरार की बात करते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, वो लोग कुछ खास की बात करते हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? किसान का है, नौजवान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये मुद्दे होने चाहिए। ये बीजेपी का लोग अभी बताइए कि देखे छोटा सा सत्र था विधानसभा, छोटा सा सत्र, बेमतलब का नफरत फैलाना और भाई को भाई से लड़ाने वाला मुद्दा फिर लेकर के आते, जनहित के मुद्दे उठाते, सरकार से सवाल पूछते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो भाजपा के लोग इस बात को लेकर के आगे भाई धर्म की राजनीति करने लगे। उनको कमरा चाहिए हनुमान चालीसा से करने का, अब जरा जाकर के देखिए कि भाजपा का नेता सब कितना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अब नहीं चाहिए हनुमान चालीसा, घर जाके देखो लोगों के
क्या कर रहे हो? मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई, तो भाजपा के लिए मुद्दा है मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान तालिबान, क्या क्या मुद्दा है? यही है कश्मीर, इस्लाम, लव जिहाद, बेकार की बातों में देश को जो है गुमराह करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को आदरणीय लालू जी को, कितने साजिशों के बाद भी फंसाने के बाद भी बीजेपी का इतना कोशिश रहा कि लालू जी को झुका दो दबा दो, लेकिन आपके नेता ना झुके ना डरे, लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, और हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने ड्यूटी को निभाएं। इसमें आप सब लोग और हम लोग सब लोग जिम्मेदारी लेकर के जाकर के लोगों को क्या बताइए, जो सुनिएगा वही ना बताइएगा। तो देखिए पार्टी को किसी भी हालत में हम लोगों को मजबूत करना है, इसकी समीक्षा जो है हम लगातार लेंगे। बैठक में निर्णय ये भी हुआ कि जो भी हमारा जहां मजबूत जनाधार रहा उसको फिर से हम लोग जो है मजबूत उन इलाकों को हम लोगों को फिर से करना है। तो हम फैसला करेंगे कि भाई झारखंड में विधानसभा वाइज हर महीने दो दिन उस विधानसभा में हम गुजारने का काम करेंगे, और बाकी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो संगठन के कार्यक्रम धरता है यहाँ इनको निर्देश दे दिया गया है कि जो अपने पुराने लोग हैं जो भाई हमारे बिखर गए हैं उनको फिर से समेटने का काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, और संगठन को मजबूत बनाइए, गांव तक बूथ तक पंचायत तक आप पहुंचाने का काम कीजिए। और साफ तौर पे ये भी बोला गया है, एक बात समझ जाइए आप सब लोग, हम गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों से खुश होने वाले नहीं हैं, हमारे लिए वही खुशी होगी जब आप जनता का परिक्रमा करिएगा तब हमारे लिए खुशी। वाकई में जो काम करेगा उसको पार्टी जो हमने साफ तौर पर निर्देश दिया उसको पार्टी जो है आगे बढ़ा, नहीं तो लोग तो खाली पद के लिए घूम रहा है, काम कुछ नहीं करेगा लेकिन पद चाहिए। और जो हमारा बूथ पे जो मरने वाला लोग है जिसको आज तक हम मिले नहीं देखे नहीं फिर भी लालू जी का झंडा लेके घूमता रहता है, तो वैसे लोगों को चुनित कीजिए, जो काम करेगा वो पार्टी में पद भी पाएगा, उसको हम लोग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग होता ही है लोग भाई कि भाई तरह तरह के लोग हर पार्टी में होता, कोई आगे की ऊंची बात अधिक कर रहे हैं, शॉर्टकट का रास्ता हर फील्ड में ना है, तो शॉर्टकट वाले जो लोग हैं बिना मेहनत के बिना काम के सोचते हैं कि पद प्राप्ति हो जाए, हम वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे और मौका देंगे जो जो पार्टी के लिए ईमानदारी से वफादारी से पार्टी को सींचने का काम करेगा उसके लिए। अब इसके लिए हम लोग लगातार समीक्षा भी करते रहेंगे देखते भी रहेंगे। अब आप देखिए कि एक समय में हम लोग सरकार बनाना है गिराना है, इसमें हम लोगों की भूमिका रहती है, लेकिन अफसोस की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता गांव में उन लोगों के पास जब जाएंगे लालू जी का संदेश लेके, तो स्वयं जो है वो रुतबा जो पार्टी ने खोया है वो जरूर वापस होकर के रहेंगे।
कई मुद्दे हैं, लेकिन संगठन कार्यक्रम लगातार पार्टी का जो है चलता रहना चाहिए। आप तो देखिएगा झारखंड में मिनरल्स, देश को झारखंड बहुत कुछ देता है, देश को सींचने का काम करता है झारखंड, लेकिन केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, पक्षपात कर रही है, ठीक उसी तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है जब सरकार हमारी बिहार में एकदम पक्षपात किया जाता है। जो झारखंड जिसका हकदार है, जो झारखंड को मिलना चाहिए वो सम्मान और वो अधिकार केंद्र सरकार नहीं देगी, बल्कि सौतेला व्यवहार करेगी। खैर हमको तो कुछ नहीं कहने भाजपा वाले लोग, अब आप ही लोग बताओ कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए, क्या नारा लगाना। अच्छा मुझे लगता है भाजपा वाले लोग भी नारा भूल गया होगा, अच्छे दिन आएंगे। आप बताइए क्या अच्छे दिन है भाई, और महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लोग सब जान रहे किसान तबाह है, परेशान है, हीरो हीरोइन से मिल लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे किसान से नहीं मिलेंगे, मजदूर की समस्या नहीं आते। भाजपा वाले लोग क्या कहता था, गाना गाता था कि महंगाई डाइन है, अब महंगाई डाइन नहीं कि भौजाई और महबूबा लग रहा है। देखा आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बातचीत की मीडिया से, और जितने भी वहां उपस्थित उनके चाहने वाले लोग थे और जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी से उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में बात की जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के चुटीले अंदाज में चुटकुले की तरह बात करने की आदत है, और उसी अंदाज में जब वो बात करते हैं तो लोगों की हंसी नहीं रुकती है। बिल्कुल इसी अंदाज में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी बात की और लोगों को जितना मनोरंजित किया, साथ ही आरजेडी में अब जिस तरीके की पहल होने वाली है, नई नीतियाँ आने वाली है, उसके बारे में भी बातचीत की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए तब तक देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।